नमस्कार प्यारे साथियों, मेरा स्कूल में कल पदस्थापन हो गया है। मुझे ज्वाइनिंग मिल गई है। जैसा कि मैंने ब्लॉग में आपको जानकारी दी थी, वैसे मैं 2-3 दिन से आपके लिए कोई वीडियो नहीं बना पाई थी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। और जिन दोस्तों ने कल के मेरे ब्लॉग पर मुझे बधाई दी है, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मेरे सभी दोस्तों के लिए मैं दुआ करती हूँ, जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके जीवन में बहुत जल्दी ये दिन आए, उनको भी ये खुशी महसूस करने का मौका जल्दी से जल्दी मिले, यही मेरी दुआ है सभी दोस्तों के लिए। 2-3 दिन से पद स्थापना आदेश आने के बाद कभी डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने में निकल गया एक दिन, तो 30 जनवरी का, तो 31 जनवरी को कल मैंने ज्वाइन किया तो भी मैं नहीं बना पाई वीडियो। रात को जाकर भी बहुत थक गई थी, तबीयत ख़राब थी। और फिर आज सुबह भी जल्दी निकले घर से, मैंने मेरे स्कूल के गांव में ही रूम लेकर रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरे घर से मेरा स्कूल 60 किलोमीटर दूर है, तो अप डाउन तो होगा नहीं, तो मैंने गांव में ही रूम लिया है और वहीं रहूँगी। इसलिए आज मैं पहली बार सुबह आई थी सामान लेकर, कल मैं साइन करने के बाद 3 बजे तक रही स्कूल में, उसके बाद घर चली गई थी। रात को घर लेट पहुँचे, तबीयत ख़राब थी, फिर वीडियो नहीं बना पाई। सुबह भी जल्दी निकले क्योंकि गाड़ी में भी 1 घंटा 1.25 घंटा लग जाता है स्कूल तक पहुंचने के लिए। तो फिर सारे दिन स्कूल में बहुत अच्छा महसूस किया। आज माँ सरस्वती का वार था, गुरुवार, और उस दिन मैंने अपने स्कूल में पूरी ड्यूटी निभाई। कल भी मैं क्लासों में गई थी, 1-2 सभी क्लासों से मेरा परिचय भी हुआ था और 1-2 क्लासें भी ली मैंने। लेकिन कल मेरा ज्वाइनिंग डे था और आज मेरा फुल डे था स्कूल में, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। बस 2 दिन इधर उधर से आने जाने में परेशानी के कारण और कुछ तबीयत ख़राब है और कुछ पहली बार घर से दूर आई हूँ, तो अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। बहुत नर्वस हूँ इस कारण कि पहले तो सोचती थी कि नौकरी मिल जाए चाहे मुझे कहीं भी भेज दो, लेकिन जब घर से दूर जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। घर घर ही होता है, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वहाँ का माहौल कैसा भी हो, लेकिन घर तो अपना, घर तो अपना घर ही होता है साथियों। लेकिन नौकरी करने के लिए जाना पड़ता है, लोगों को बहुत बहुत दूर भी जाना पड़ता है। मेरा घर तो यहाँ से 60 किलोमीटर दूर ही है, मैं तो शनिवार को जाना भी हो सकता है, संडे को 1-2 दिन की छुट्टी हो तो वैसे भी चली जाऊँ, लेकिन फिर भी पहली बार कई दिनों से घर पर ही थी, दूर आई हूँ घर से, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ का माहौल। मैं धीरे धीरे अपने आप को डाल पाऊँगी। स्कूल में भी कुछ थोड़ा सा नर्वस हुई थी क्योंकि पढ़ाए हुए बहुत दिन हो गए, 6 साल पहले 2017 में पढ़ाती थी मैं, उन बातों को 6 साल हो गए हैं, तो फिर बच्चों के सामने जाने में भी थोड़ा सा ऐसे हुआ। धीरे धीरे वहाँ के माहौल में भी ढल पाऊँगी, थोड़ा सा समय लगेगा, और फिर कोई नया काम करते हैं तो थोड़ी घबराहट तो होती ही है, वो मुझे भी हुई, लेकिन वैसे मुझे बहुत खुशी हुई। जैसा कि आपने कल के मेरे ब्लॉग में देखा होगा, मेरा स्कूल कितना शानदार है, पूरा हमारा स्टाफ है, सभी लेक्चरर की पोस्ट फुल है यहाँ, और बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। गांव भी है, बहुत बड़ा गांव है, शानदार खूबसूरत गांव है, शांतिप्रिय गांव है, तो मेरा यहीं रहना होगा। अब आज तो मैं माइक भी घर ही बुलाई, इसलिए शायद आज आपको वीडियो में थोड़ी आवाज़ में भी परेशानी हो सकती है, लेकिन फिर भी अपने अनुभव शेयर करने के लिए मैंने बना लिया, सोचा थोड़ा सा आपके साथ अनुभव शेयर कर लूँ। हिम्मत तो नहीं है बिल्कुल भी, तबीयत भी ख़राब है, और वैसे भी बोलने का और यहाँ मन नहीं लग रहा, घर से दूर बिल्कुल भी अच्छा नहीं महसूस कर रही हूँ, लेकिन सोचा कि आपके लिए छोटा सा वीडियो बना ही दूँ, क्योंकि आप भी वेट कर रहे होंगे कि मैंने आपके साथ अपने अनुभव शेयर नहीं किए अपने स्कूल के पहले दिन के, इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ। इस संडे को मैं घर जाऊँगी तो मेरा माइक लेकर आऊँगी, उसके बाद आपके लिए रोज़ाना कोशिश करूँगी, इतने तक मैं यहाँ के माहौल में भी सेटल हो जाऊँगी, फिर आपके लिए रोज़ाना वीडियो आएंगे, अपने अनुभव आपके साथ शेयर करती रहूँगी, आपके लिए मार्गदर्शक का काम करती रहूँगी। और आप सभी से भी दुआ है, मेरा, मेरे साथ, मेरे अपनी जो YouTube की फैमिली है सभी के प्रति, मेरे प्रति आप सभी ये स्नेह व प्रेम बनाए रखें। और आपको कैसा लगा, आपने खुद के लिए ये खुशी आप महसूस करके देखिएगा, इस दिन की कल्पना करके देखिएगा कि जब आपके जीवन में ये दिन आएगा तो आपको कैसा लगेगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है,
मेरे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो गया है, या ये कह सकती हूँ सफल जीवन शुरू हो गया है। अब तक तैयारी कर रही थी, बहुत लंबा संघर्ष रहा। तैयारी के दौरान भी सफलता साथियों एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन लगे रहोगे तो एक दिन ज़रूर मिल जाएगी। इसकी मैं आपके सामने मिसाल हूँ। बहुत अधिक 12-15 घंटे नहीं पढ़ पाती थी, कोचिंग में लाइब्रेरी में कहीं नहीं गई, घर के काम के साथ, लेकिन लगातार निरंतरता नहीं तोड़ी मैंने, लगातार जारी रखी धैर्य के साथ और अपने आप पर विश्वास किया। तो आज आपके सामने ये कह पा रही हूँ कि मैं कविता शिवरान हिंदी व्याख्याता। जब आप ये लाइन बोलोगे तो कितना अच्छा लगेगा आपको, महसूस करके देखिएगा इस खुशी को, और पूरे जोश के साथ लगे रहिएगा। मेहनत एक दिन ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मेहनत करने वालों पर कामयाबी हमेशा फिदा होती है। तो आप मेहनत करते रहिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। बस अपने जितना सामर्थ्य है उतना अपनी पूरी जी जान लगाकर, जितना भी समय आपको मिलता है उतना समय ईमानदारी के साथ दीजिए, चाहे वो 4-5 घंटे ही क्यों ना हो दिन के, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ दीजिए उनको, तो एक दिन सफलता आपको भी ज़रूर मिलेगी। बस और तो क्या बताऊँ साथियों, बहुत अच्छा, जिस चीज़ की मैं कल्पना करती थी, जो मेरा सपना था बहुत दिनों से, वो मेरा सपना पूरा हो गया है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये खुशी आपको 2-4 दिन के बाद शायद धीरे धीरे देखने को मिले, क्योंकि अभी तो माहौल नया है, इस कारण थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो नर्वस हूँ। बाकी स्कूल में ये जाकर और ये नया जीवन जो शुरू हुआ है, इसको पाकर मैं बहुत ही खुश हूँ। तो आज की वीडियो में साथियों इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। आवाज़ में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन सुन लीजिएगा, संडे को माइक लेकर आऊँगी। धन्यवाद।